हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पर और टॉपिक चल रहा है क्रिटिकल सेक्शन। आई होप कि आप क्रिटिकल सेक्शन का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप क्रिटिकल सेक्शन के इंट्रोडक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन अप्रोच यूजिंग दी टर्न वेरिएबल। क्रिटिकल सेक्शन का एक सॉल्यूशन प्रपोज किया गया यूजिंग दी टर्न वेरिएबल। आइए इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। इससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं कि सपोज कोई एक प्रोसेस है, कोई भी एक प्रोसेस है, तो इसमें क्रिटिकल सपोज यहां पर एक क्रिटिकल सेक्शन है, तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए कुछ ना कुछ एक एंट्री सेक्शन होगा, एंट्री क्राइटेरिया होगा, जिसको फुलफिल करने के बाद ही हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे। और जब क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम कोई प्रोसेस पूरा कर लेगा, देन देयर विल बी सम एग्जिट सेक्शन। एग्जिट सेक्शन में यानी कुछ ना कुछ कंडीशंस चेक होंगी या कुछ कंडीशन चेंज हो सकती हैं, एंड देन आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम देयर ये अपने रिमेनिंग सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जिसका किसी दूसरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम इसके इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। टर्न वेरिएबल के अप्रोच में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसके सॉल्यूशन को प्रपोज करने की कोशिश की गई। यहां पर हम फिर से ध्यान रखेंगे कि जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन एज वेल एज प्रोग्रेस, ये दोनों अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है ना। अगर हो रहे हैं तो बेसिकली ये एक बेटर सॉल्यूशन है, यानी ये बेस्ट सॉल्यूशन है, क्राइटेरिया बेस्ट सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। आइए इसको समझ लेते हैं। यहां पर हमने एक प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस P0 एंड प्रोसेस P1, ये दो प्रोसेस हैं जो कि बेसिकली सीपीयू में रन कर रहे हैं, एंड देन बोथ आर यूजिंग सम शेयर्ड वेरिएबल, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है क्रिटिकल सेक्शन, तो यानी दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। यहां पर जो हमने टर्न वेरिएबल लिया है, इसके थ्रू हम इन दोनों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये दोनों क्राइटेरिया को आपने मैच करना है। आइए देखते हैं कि किस तरह से अप्रोच हम लगा रहे हैं। टर्न वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, सपोज हमने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया है टर्न, और इनिशियली उसकी वैल्यू रख दी है 0। ओके, अब इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस सीपीयू में पहले पहुंच सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। यहां पर देखिए, सपोज मान लीजिए कि P0 हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए पहले आया। ओके, while 1 इट इज कंडीशन ट्रू, यानी ये हमेशा चलेगा, जब भी P0 आएगा इसको एंटरटेन किया जाएगा। आगे चलेंगे, आगे चले, अब यहां पर देख सकते हैं while टर्न इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देन सेमीकोलन। अगर आप while लूप से परिचित हैं तो आपको पता है कि while लूप के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आएगा। सेमीकोलन आने का मतलब है कि आप फॉल्स वाली कंडीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको while बता देता हूं किस तरह से चलेगा। सपोज यहां पर एक while है, while लूप है, और यहां पर एक कोई कंडीशन है, कंडीशन, ओके, इफ इट गोज ट्रू, इफ इट इज ट्रू देन इट गोज टू सम सेक्शन, यानी ट्रू सेक्शन में बेसिकली वो जाएगा, एंड देन अगेन कंडीशन चेक होगी। ये एक तरह का लूप है, यानी जब तक कंडीशन सही मिलेगी वो इस सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, एंड ऑन ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये इस बाहर, यानी इस पर्टिकुलर लूप से बाहर आएगा, और ये फॉल्स वाली कंडीशन को, यानी रिमेनिंग सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो व्हाइल लूप बेसिकली इस तरह से काम करता है। इसके आगे यहां पर सेमीकोलन नहीं होते, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो हमने यहां पर एक कंडीशन दी है व्हाइल की, एंड देन आगे लगाया है सेमीकोलन। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रैप, ओके, इट इज जस्ट लाइक अ ट्रैप। और अब यहां से वैल्यू, यानी हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, और इस व्हाइल के नीचे देखिए आप कोई भी कंडीशन ट्रू वाली नहीं दे रखी है। ओके, हमने व्हाइल का बेसिकली कोई बॉडी नहीं दिया है, बॉडी मतलब ट्रू होने पर उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर दिया हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, सीधे से क्रिटिकल सेक्शन में आ गए। यहां पर आप कंफ्यूज ना हो, क्रिटिकल सेक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ द व्हाइल कंडीशन। ओके, क्योंकि सेमीकोलन लगा दिया गया है, इसका मतलब ये ट्रैप है, आप आसानी से समझ सकते हैं इसे। अब आ जाते हैं यहां पर क्या रिटर्न होगा। व्हाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, बट टर्न की वैल्यू तो 0 है, तो हम यहां पर कर रहे हैं क्या रिटर्न होगा हमारे पास, फॉल्स। टर्न की वैल्यू 0 है, जबकि हम कह रहे हैं कि अगर टर्न की वैल्यू 0 नहीं है तो यहां पर रिटर्न हो, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर इसका मतलब टर्न की वैल्यू तो 0 है, हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कंडीशन हुई फॉल्स, और फॉल्स होने पर बेसिकली क्या होगा, ये इसके बाहर जाएगा और अपने नीचे वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी वो इस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, प्रोसेस P0। ओके, आई होप कि आप समझ पाए हैं इसे। फिर से बताते हैं, P0 आया ऊपर से, उसने इस कंडीशन को चेक किया, यहां से जो वैल्यू रिटर्न हुई ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, इट इज फॉल्स, फॉल्स है, और आगे टर्मिनेशन लगे, इसका मतलब ये एक तरह का ट्रैप है और आपको नीचे वाली कोड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि व्हाइल की कोई बॉडी नहीं दी रखी, ट्रू होने पर उसकी उसके साथ क्या होना है, यानी कुछ नहीं दे रखा है। और अगर व्हाइल की कंडीशन में ये बॉडी नहीं दे रखी होती है,
देन देयर इज अ काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूप. ओके, अगर ट्रू वाली बॉडी नहीं दे रखी है इसका मतलब ये यही घूमता रहेगा और सेंस करता रहेगा जब तक कि इसको फॉल्स वाली कंडीशन नहीं मिले, यानी आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा. तो आई होप कि आप इसको समझ रहे हैं. तो यानी प्रोसेस P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया. हम चर्चा कर रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन पर. अब जब प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखने के लिए हम इसको प्रिंट करते हैं. ओके, इसको प्रिंट करते हैं यानी CPU इसको रोकता है और इसको बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देता है और उसी टाइम P1 एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है अपने आप को और क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए प्रयास करता है. अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है तो दूसरा कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहिए, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. अगर ऐसा हो रहा है तब म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रही है. तो अभी देखिए P0 क्रिटिकल सेक्शन में था, कॉन्टेक्स्ट स्विच भले ही कर दिया गया हो लेकिन वो स्टिल अभी भी किसी ना किसी शेयर्ड रिसोर्स को पकड़ के बैठा होगा. ओके, तो अब बात कर लेते हैं P1 की. इसका मतलब P1 नहीं जाना चाहिए. आइए देख लेते हैं कि कोड किस तरह से डिजाइन किया गया, क्या P1 जा पा रहा है. While one condition हुई true, अंदर आए while turn is not equals to one, turn की value है 0, turn is not equals to one, जी हाँ वो बोल रहे हैं कि क्या turn की value 1 के बराबर नहीं है, जी 0 है. तो यानी क्या return हुआ, true return हुआ. तो हमने बताया अभी अगर true होगा तो basically यही while condition पर ही फंसा रहेगा नीचे critical section में, यानी false होने पर इस section पे नहीं जाएगा. यानी P1 जो है वो बेसिकली यहीं पर वेट करता रहेगा अनटिल अनलेस उसको यहां पर भी वही वाली कंडीशन ना रिपीट हो जाए, यानी इसको यहां से फॉल्स ना मिलने लगे. आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं. तो यहां से क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन इस वाइल लूप में यहां पर ट्रू रिटर्न हुआ है इसलिए P1 आगे नहीं जा रहा है और वो इसी कंडीशन में एज ए लूप इसको बार बार सेंस करता जा रहा है. ठीक है, तो दोनों प्रोसेस की ये स्थिति है कि P0 क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा था लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया गया और P1 क्रिटिकल सेक्शन में आगे ही नहीं जा पा रहा, वो वाइल कंडीशन से आगे नहीं पहुंच पा रहा, क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पा रहा है. तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब भी CPU अवेक होगा या जब भी CPU कुछ और काम कर चुका होगा वो इसको चांस देगा. जब इसको चांस देगा तो क्रिटिकल सेक्शन में अपने बचे हुए काम को P0 पूरा करेगा एंड देन जाते हुए जब पूरा कर देगा तो जाते हुए यानी एक तरह से क्या हो गया हमारा एग्जिट सेक्शन. ये हमारा एंट्री सेक्शन है, ये क्रिटिकल सेक्शन और ये क्या हुआ एग्जिट सेक्शन. मैंने बताया था कि जब भी एग्जिट सेक्शन होगा तब कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज हो सकती है, यानी अपने रिमेनिंग काम को करने से पहले वो दूसरे प्रोसेसेस के लिए चीजों को आसान बनाएगा. उसने बेसिकली बोल दिया टर्न इक्वल्स टू वन, यानी जब इस प्रोसेस P0 ने अपना काम पूरा कर लिया तो उसने टर्न की वैल्यू को कर दिया 1. ओके, एंड देन अपने रिमेनिंग सेक्शन को एग्जीक्यूट करने लगा. रिमेनिंग सेक्शन के बारे में हम जानते हैं, जब भी कोई प्रोसेस अपने रिमेनिंग सेक्शन में होगा तो इसका प्रोसेस इस प्रोसेस का यानी इस सेक्शन के जो भी काम कर रहा होगा उसका किसी दूसरे प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके, जैसे ही इसकी वैल्यू हुई 1 तो अब देखिए P1 को यहां से क्या मिलने लगा. फिर से चेक करते हैं कंडीशन, टर्न इज नॉट इक्वल्स टू 1 बट टर्न की वैल्यू तो 1 है. ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पहले यहां पर हमें फॉल्स मिला था. अब यहां पर बेसिकली हाँ टर्न की वैल्यू तो बेसिकली नॉट इक्वल्स टू 1 बट ये तो 1 है, तो यहां पर क्या रिटर्न हुआ फॉल्स. जैसे ही फॉल्स रिटर्न हुआ लूप है, लूप बेसिकली हमने यहां पर टर्मिनेट कराया है, यानी फॉल्स कंडीशन अचीव हुई एंड देन अंदर आ गया क्रिटिकल सेक्शन, यानी P1 यहां से हटके अब क्रिटिकल सेक्शन को इजीली एक्सेस करने लगा जैसे कि पहले P0 कर रहा था. ओके, क्रिटिकल सेक्शन में आ गया और जब बाहर निकलेगा जब ये अपना काम पूरा कर लेगा टर्न की वैल्यू को 0 कर देगा, यानी फिर से आप इनिशियल कंडीशन पे आ गए एंड देन इसको बाहर निकालते हुए P1 ने यहां पर काम किया एंड देन एग्जिट हो गया यहां से. आई होप कि आप इसको समझ पाए. ओके, तो हमने देख लिया कि हाँ जब ये वाला क्रिटिकल सेक्शन में होता है तो P1 नहीं जाता और सिमिलरली अगर आप इसको P1 से देखना चाहें पहले P1 को एंट्री देना चाहें तो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं कि जब P1 यहां पर क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो P0 भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा. तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव कर रहे हैं, यानी टर्न वेरिएबल के थ्रू हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो पूरी तरह से अचीव कर पा रहे हैं. ओके, अब समझ लेते हैं प्रोग्रेस को कि प्रोग्रेस अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. प्रोग्रेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्रेस इज नथिंग लाइक की अल्टरनेटिंग सीक्वेंस की अगर P0 एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके बाद कंपल्सरली जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा फिर से P0 को चांस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, यानी P0 जितनी बार भी चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है, अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है. P1 जितनी बार भी चाहे वो सोलली है ना अपने आप अभी निकला है एग्जीक्यूशन करके फिर से जा सकता है,
ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि P1 एग्जीक्यूट हो गया तो बस एक चांस अब P0 को मिलना है, जब P0 एग्जीक्यूट हो गया तो अब कंपलसरली P1 को एग्जीक्यूट होना है। ये उसी तरह से है कि भाई P1 नहीं जाना चाहता क्रिटिकल सेक्शन में तो P0 जितनी बार भी चाहे ओके नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, हम जाते अगर इसको जरूरत है तो वो एन नंबर ऑफ टाइम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। आइए देखते हैं कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। आइए फिर से देखते हैं, मान लीजिए P0 आया एग्जीक्यूशन के लिए, यहां पर पहुंचा, फिर से उसने चेक किया टर्न इज नॉट इक्वल टू जीरो बट टर्न तो जीरो है तो यहां से हुआ फॉल्स, फॉल्स रिटर्न हुआ तो इट इज अ ट्रैप, यानी फॉल्स कंडीशन पर वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। ओके तो यहां पर प्रिंट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि प्रिंट करने के लिए तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को देखते हैं और इससे पहले हम देख चुके हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां पर अचीव हो रहा है। ओके अभी हमें यह देखना है कि क्या P0 सोली बार बार जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा। ओके P0 जब क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर चुका उसके बाद जाते हुए इसने टर्न की वैल्यू को वन कर दिया, टर्न की वैल्यू को वन कर दिया, रिमेनिंग सेक्शन को एग्जीक्यूट करके बाहर निकल गया। ओके P0 अब यहां से एग्जीक्यूट करके बाहर निकल गया। अब देखते हैं कि क्या P0 दोबारा जा सकता है, भाई P1 तो जा ही सकता है क्योंकि इससे पहले गया है, लेकिन क्या P0 दोबारा जा सकता है, चेक करते हैं। भाई टर्न इज नॉट इक्वल टू जीरो, टर्न की वैल्यू है वन, टर्न इज नॉट इक्वल टू जीरो, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। जब ट्रू हुआ तो बेसिकली P0 यहीं पर सेंस करता रहेगा। ओके P0 यहीं पर बाउंडेड वेट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, और ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब ये प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन के बाद इस टर्न को जीरो बनाएगा। ओके तो इसका मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि P0 एक बार क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के बाद इस टर्न को वन बनाते हुए जब गया बाहर, उसके बाद वो दोबारा सेकेंड टाइम पर अपने क्रिटिकल सेक्शन को दोबारा एक्सेस नहीं कर पा रहा। यानी ये हुआ कि इसके बाद इसका नंबर है, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर इसके बाद इसका, और यानी एक तरह से अल्टरनेटिंग फैशन में काम करेंगे, इसके बाद इसको चांस दिया जाएगा, इसके बाद इसको, ये कंपलसरी फैशन हो गया। ठीक है तो हेंस इट इज नॉट अ प्रोग्रेस। ओके तो टर्न वेरिएबल के थ्रू हम प्रोग्रेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने जरूर अचीव किया है। तो क्या ये एक बेटर सॉल्यूशन हुआ, क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन का, जी नहीं। टर्न वेरिएबल के थ्रू हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव कर पाए बट प्रोग्रेस नहीं, ये दोनों मैंडेटरी क्राइटेरिया है जो कि अचीव होने ही चाहिए किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो कि हम क्रिटिकल सेक्शन के लिए दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा। ओके तो इसके बेसिस पर आप ये देख पा रहे हैं कि टर्न वेरिएबल इज अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट नॉट प्रोग्रेस। आगे हम देख लेते हैं कि इसके पास कोई सॉल्यूशन बनता है क्या। अब इसके सॉल्यूशन की अप्रोच में हमने ये पाया कि प्रोसेसेस से पूछना जरूरी है, अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैं पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं तभी उनको चांस दिया जाना चाहिए, नहीं तो बेसिकली चांस रखा जाए किसी दूसरे प्रोसेस के पास जो कि जाना चाहता है। इसका मतलब वो पहले एक कोई सिग्नल देकर के बताए कि यस आई वॉन्ट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, अगर ऐसा है तो उसको चांस दिया जाए, नहीं तो बेसिकली वही प्रोसेस बार बार यहां पर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाए। यहां पर एक बात बहुत ध्यान रखनी होगी एक कि प्रोसेस यानी सीपीयू बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जा सकता है। इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम अपना अगला सॉल्यूशन देखते हैं, दैट इज यूज्ड बाय फ्लैग सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।